ये जो फिटिंग है ना इसमें, ये प्लेन फिटिंग होता है हुंडई टाइप इच, ऐसे ऐसे कॉम्प्रेसर में लगता है ज़्यादा करके, ये जैसे हुंडई में लगता है वैसा ही ये एक्सयूवी और बाकी गाड़ी में लगता है जो हुंडई टाइप का फिटिंग आता है। हुंडई का डायमेंशन, इसका डायमेंशन दोनों का सेम आता है, कोई फर्क नहीं है। ये एक्सयूवी का इसलिए कि इसको होल नहीं है। अब हुंडई का भी कनेक्टर अगर एक्सयूवी में लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी डिस्चार्ज का अगर इस टाइप का कनेक्टर है तो ये वाला पार्ट ज़्यादा करके एक्सयूवी में यूज़ होता है जिसमें होल नहीं होता, और हुंडई में भी होता है जहाँ यहाँ पे जो होल आते हैं ना, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था इस टाइप का होल वाला, ये विदाउट होल का है। अगर ये भी आप अगर एक्सयूवी यूज़ करते हो या फिर कई जगह तो वर्क में आ जाता है, और हुंडई में भी इस टाइप का पार्ट आता है जहाँ कॉम्प्रेसर को पिन नहीं होती या फिर कंडेंसर को पिन का प्रोविजन नहीं है, तो या प्लेन वाला लगा सकते हो डायरेक्ट या फिर इस टाइप का भी लगा सकते हो। इसके तो ये हुंडई का और बाकी इसमें काम में आता है, लेकिन ये जो है ये स्पेशली एक्सयूवी के लिए बनाए हुए कंपोनेंट है। इसमें कैसा है, मिलिंग क्या हुआ रहता है, ये 10-12 mm छोटा रहता है, पूरी गोटी 18 mm की इतनी, और 9 mm का ये वर्क है, टर्निंग वर्क हुआ है। 3 mm का जॉब कटिंग का लगता है, 1 mm इधर से, 1 mm से फिनिशिंग के लिए लग जाता है। तो इसका 33 mm का एक कंपोनेंट बनता है पूरा, जिससे वर्क होता है। ये पीछे की जगह जो है ना, ये वाली, ये पीछे का पोर्शन अपन होल ऑप्शनल रखते हैं, इसलिए कि अगर टेक्नीशियन को अगर राइट साइड साइड पीछे और लेफ्ट हैंड साइड और बैक साइड में अगर होल करना है 12 mm का, तो वो सिलेक्शन उसके पास रहता है, ताकि एक गोटी से वो किस इस टाइप का कोई भी अलग टाइप का अगर फिटिंग आता है तो वो उसके पास ऑप्शन तैयार है, अच्छे तुरंत डिसीजन लेके वो होल कर सको। होल करते वक्त ये जो है ये 8 mm का है, ये भी 8 mm का है, तो होल करते यहाँ से आखिरी का जो स्टेप आएगा वो 8 mm में रहने को होना, और ऊपर का जहाँ पाइप फिटिंग होगा वो आएगा आपका 12 mm, यानी 2 mm वॉल थिकनेस का पाइप ज़्यादा करके चलता है इसमें एसी लाइन में, तो उस टाइप का कम ड्रिल बिट लेके इसको होल करना चाहिए। सादे ड्रिल बिट से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको चैम्पर होता है, चैम्पर से नहीं होगा। इसका फेस जहाँ पाइप फिटिंग बैठेगा वहाँ फेसिंग आने को होना, और अंदर 8 mm का डेप्थ आने को होना, उस टाइप से ड्रिल बिट उन्होंने बनाना चाहिए। अगर उस टाइप से आपको अगर ड्रिल बिट चाहिए तो आप हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर आप एक बार ड्रिल करोगे और पाइप रख के जब ब्रेजिंग करोगे तो ब्रेजिंग का माल, जो ब्रेजिंग का मटेरियल रहता है, वो अंदर आने के चांसेस नहीं के बराबर रहते हैं। और आप अगर सादे ड्रिल से अगर ड्रिल करके अगर पाइप लगाते हो तो ब्रेजिंग का माल अंदर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस टाइप के अगर कंपाउंड आपको लगते हैं तो ऐसे कॉन्टैक्ट करो, काफ़ी माल है ये हमारे पास। ये तो सैंपल के लिए हम थोड़े थोड़े पीस निकाल के हम वीडियो बना रहे हैं। ये CNC मशीन पे बने हुए पार्ट है, परफेक्शन के साथ आते हैं, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, लीकेज के चांसेस नहीं रहते, नहीं के बराबर नहीं रहते हैं। बोरिंग अगर इसमें जो लगती हुई आप डालोगे तो फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, काम अच्छे से होगा, लॉस नहीं होगा। आपको अगर मटेरियल चाहिए तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, यूट्यूब पर नंबर दिया हुआ है, वही व्हाट्सअप नंबर है। आप उस आपको जो भी टाइप का माल लगता है AC पाइप रिलेटेड तो उसका इमेज हमको सेंड करो। टेक्निकल सपोर्ट अगर चाहिए तो हम लोग हमेशा देने को तैयार नहीं रहते, देते ही है। इंडिया में ऑल ओवर इंडिया हमारा मटेरियल जाता है। आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ठाकरे कार AC के नाम से। थैंक यू।